हाँ यही है, जगह देख के कई लोग जी गया। बोलो ये रहा मरीन ड्राइव का रौनक पटना में, यहाँ रौनक बढ़ जाता है। जैसे ही शाम होगा जितने ही रात होती है उतनी मजा यहाँ आती है। रात होते जाए 8-9 बजे तक, 10 बजे तक आदमी, उसके बाद यहाँ नहीं अलाउ करता है जितना। यहाँ तो रास्ता अंदर जाने का दिया नहीं है, बस ऐसे ही फांद फांद के जाना पड़ेगा, लेडीज हो बच्चा हो। तप गई तोता रानी, मैना मैना मैना, ये मोरनी है मेरी, मोरनी 50 में दीदी कमाल कर देती हूँ, लगती नहीं हो दीदी की 50 की हो, तो 20 को भी खेल कर देती हो। थैंक यू थैंक यू। ये गंगा जी है, यहाँ गंगा जी के किनारे ही मरीन ड्राइव है, जो रात में बहुत ही अच्छा हवा चलता है, यहाँ मस्त हवा चलता है, इसलिए सभी लोग यहीं पर आजकल आते हैं पटना वासी। और काफ़ी दूर तक ये इसी तरह से है, खाने पीने का सारा व्यवस्था है, लंबा में पूरे काफ़ी दूर तक में है। मेरा फैमिली किधर बिछड़ा, ओ मेरा फैमिली उधर भाग गया है।6-7 बजे आपको खुला हुआ मिलेगा। अच्छा 6-7 बजे पिछली बार आए थे नहीं था, अभी भी है लेकिन अभी सारा सेटअप किया नहीं होगा, उसको सेटअप करने में 1-1.5 घंटा टाइम लगता है। अच्छा सर इसी लाइन में है ना, आगे बढ़ते जाएंगे मिल जाएगा। चलिए अच्छा है, आप लोग का रोजगार भी यहाँ बहुत अच्छे लोग, बहुत लोग के हो गया पटना वासी लोग का। अब ये गंगा जी वाला कहाँ है, जहाँ गंगा जी का सिंह था नीचे उतर के था ना, वे किधर से जाएंगे? नीचे से रास्ता आगे से गोलंबर से मिलेगा। अच्छा वे अलग गोलंबर के पास से लोग नहीं उतरे थे, गोलंबर के पास से रास्ता मिलेगा, लेकिन इधर से भी रास्ता है लेकिन आप लोग नहीं जा पाइएगा, थोड़ा ढलान है। कोशिश करेंगे, किधर से है? सामने से कोशिश करते हैं, कोशिश में तो कामयाबी मिल ही जाएगा। चलिए थैंक यू भैया। उपयोग करते हैं? नहीं हम नहीं लेंगे। कौन कौन भुट्टा लेगा, जल्दी जल्दी बोलो बच्चा लोग। हम तो लेंगे, हम भी लेंगे। और तुम लोग बच्चों भुट्टा लोगे? हाँ तो यही वाला हमको दीजिए, मीठा होना चाहिए बस। आते बच्चे लोग तो अपना पटाटा पूरी खा रहा है। आगे बताओ ये बिटिया रानी क्या खा रही है, बताना। अच्छा बताए कि क्या खा रहा है? भुट्टा में तो ठगा गए, भुट्टा मीठा नहीं था। चल अच्छा है, और बनवाए के आगे खाया जाए? नहीं थोड़ा थोड़ा सब खाओ, चलते चला जाए। हम लोग तो जल्दी आ गए हैं, अभी सेटअप सब तैयारी हो रहा है, क्योंकि जितनी रात होगी यहाँ पर अंधेरा होगा उतना ही मजा आता है यहाँ पर। पसंद आया? अभी निकाले सेलेक्ट कर, ये अच्छा लग रहा है जो चुनी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये कितने कितने का है सर? ये गाना गा रहे हैं तेरे आगे पीछे आ गया मैं, तेरे पीछे पीछे आ गया। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक बार मैम लोगों के लिए भी ताली होनी चाहिए और हमारे सिंगर और फाइव सिंगर व्लॉग्स, और ये लोग शायद ब्लॉग बनाते हैं तो जो लोग भी ब्लॉग देखते हैं वो देखिए। यहाँ पर हम लोग अभी बहुत ही एंजॉय किए, और यहीं पर आके आप लोग भी चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए,
कॉकटेल भी मिलता है और क्या क्या मिलता है भैया? चाय, कॉकटेल, स्वीट कॉर्न, अच्छा सारा चीज मिलता है। यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिए, खाइए, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। सब तो अपना एंजॉय करता है। हाँ सही बात है। जैसे गोले राजा जी, गोले राजा जी, कमरिया गोले गोले, कमरिया गोले गोले, गोले गोले, गोले राजा जी। यहाँ हर एक उम्र के बच्चों के लिए सब चीज है, जैसे कि हम लोगों के लिए झूला है। हाँ, और ये तो आपके लिए नहीं, झूला पीछे छूट गया आपके लिए। सभी ब्लॉगर लोग अपना अपना रील्स बना रहे हैं यहाँ पे रुक के। ये रहा, मैं तो बना ली फाइव फिंगर ब्लॉग, ये लोग बना रही है भाई। ये सीमा सिपारा है, ये स्वाति पटना है, और ये आप पूजा, पूजा राय। चलो जाओ, अब कौन डिंपल जाओ, मेरा कर। चलिए ये मैडम खड़ी हो गई है सिपारा पटना। चलिए आप किस पे डांस कर रही है भाई? जो भी लगता है उसी पे कर देंगे। आप सब पे हैं, ऑलराउंडर? हाँ ऑलराउंडर है ये। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आप सीधा रहिए ना। झुमका गिरा रे वो फल बरेली के, क्या चीज? ये मरीन ड्राइव, रात का रौनक देखिए कितना मस्त है। ये पुल है पूरा यहाँ से वहाँ तक। जय बिहार यहाँ लिखा हुआ है, लोग यहाँ फोटो शूट करा रहे हैं। कुछ चेंज कर दिया है पहले से, यहाँ बहुत चीज बना दिया है। ये हमारे बिहार का लिट्टी चोखा, चोखा देखिए ना, चिकन के साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, लेकिन हमारे बिहार में दस का बिहार। इधर देखो, इधर यही बस बाकी था, यही काम बस बाकी था होना। हाँ तो कौन वाला फोटो वाले फोटो, यही दूसरों का। अब हम लोग का घर जाने का टाइम भी हो गया, लेकिन हवा बहुत मस्त चल रहा है। अब सभी लोग आइसक्रीम लेंगे और ले लेके घर के लिए अब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि अब काफी देर से हम लोग घूम रहे हैं। तुम लोग कुल्फी ले हो? चलो अच्छा, अपना अपना पसंद का खाना भी चाहिए। ये तो कुल्फी का जैसे खाना भी नहीं खाई घर पर, आइसक्रीम की वजह से नहीं खाई। हाँ भाई लो ये वाला, कहाँ है भैया ये वाला? दे दे दो। हम लोग के यहाँ तो जो भी आता है यहाँ जरूर लाते हैं घुमाने के लिए, क्योंकि हम सब बहनों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ, इसीलिए इसको भी घुमाने ले आया है कि चलो तुम भी घूम लो। और यहाँ घूमने के लिए मेरी भगनी सजेस्ट की थी कि मामी जरूर जाइएगा, तो हम लोग कहें कि चलो भाई एक बार हम लोग घूम के आते हैं। बहुत अच्छा लगा।
मजे में हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया है। चलो पटना में कुछ तो एक जगह है जो हम लोग अपने गेस्ट को सबसे बड़ा बात है कि फैमिलियर है, ऐसा नहीं है कि रात में कितना भी लेट हो जाए लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बहुत मस्ती से घूमता है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। जो भी पटना बिहार में आएगा इस जगह को बहुत अच्छा लगेगा, वाकई में हम तो यूपी